बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी, मीनाक्षी जी आपने बोफोर्स को लेकर मुद्दा उठाया है, क्या नई मांग आप कर रही हैं? देखिए, नई मांग नहीं है, मांग पुरानी है कि इसका ढंग से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर ये ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो जिनी बार बार बोतल से आता रहेगा, और जब जिनी बार बार बोतल से बाहर आएगा तो वो सबके लिए जो है एम्बैरेसमेंट क्रिएट करेगा। बेहतरी इसमें है कि एक बार पूरे के पूरे मामले को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि पैसों की ट्रेल, घूस देने वाले, घूस लेने वाले, वो सब चीज़ें तो आज भी दस्तावेज मौजूद है, और वो जब दस्तावेज सबकी जनता के सामने आएंगे तो भी स्पष्ट होगा कि आखिर हुआ क्या पूरे मामले में। क्योंकि बिग टिकट भ्रष्टाचार जो है ये उनमें से एक केस अपने आप में था, जिसको आज तक विधिवत तरीके से दफनाया ही नहीं गया। लेकिन ट्रायल हो चुका है, कोर्ट का फैसला आ चुका है, अब नए तथ्य क्या है इस पूरे मामले पर? ये कहा जा रहा है कि जब जब ये मामला उठता है इसमें सियासी वजह होती है। नहीं, सियासी वजह तो होगी क्योंकि भ्रष्टाचार है, और जहाँ तक मामला उठने की बात है तो वो स्पष्ट है कि ट्रायल किस दस्तावेज के आधार पर हुआ। जो दस्तावेज आज तक डब्बे खोले ही नहीं है, तो वो दस्तावेज तो कोर्ट के सामने थे नहीं, तो जो भी ट्रायल हुआ वो उन दस्तावेजों के आधार पर हुआ जो कोर्ट के आगे थे। मगर जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, एडिशनल एविडेंस है, उसको तो कभी भी पेश किया जा सकता है, और कभी भी इस मामले की री इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। और वही मेरी मांग है कि इस मामले की री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि मामला स्पष्ट रूप से देश के सामने आए। धन्यवाद बात करने के लिए। और बोफोर्स का जिन एक बार फिर बाहर है सियासी तौर पर, इसे बड़ा मुद्दा बताते हुए यहाँ पर मीनाक्षी लेखी ये बात कह रही हैं, री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कैमरामैन विद्या देवल के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।